गाइस, तो हम जो सैम्पल पेपर कर रहे थे, हमारा प्री बोर्ड पेपर, इसमें हम सेक्शन बी पर आ चुके थे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका सेक्शन ए कंप्लीट किया था, जिसमें हमने सभी एमसीक्यूज और इसके कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। नाउ अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन सेक्शन बी, जिसमें हमें एनी फोर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। ओके, लेकिन हम सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन बताएंगे आपको। तो आज जैसे कि आप सभी को पता है, रिपब्लिक डे भी है और सरस्वती पूजा भी है। ओके, तो आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे एंड सरस्वती पूजा। तो हमने सेंटर पर भी सरस्वती पूजा और रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था आज, तो उसका भी हमने पोस्ट भी डाल दी है उसकी, और उसकी जो पूजा वगैरह की जो हमारी क्या होगी कंप्लीट पूजा या सेलिब्रेशन हुआ था, उसका भी आपको वीडियो हमारे दो अनदर चैनल है हमारा फुल मोज कंपनी ब्लॉगर्स के नाम से, उस पर आपको मिल जाएगा, उस पर देख सकते हैं। उस पर भी अपलोड नहीं किया है वैसे, अभी उसमें अपलोड हो जाएगा उसका आज या कल में। तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है देखो, फर्स्ट पार्ट, ये प्रिंटेड प्राइस ऑफ ए मॉड्यूलर टेबल। ठीक है, मॉड्यूलर टेबल का प्रिंटेड प्राइस कितना है? प्रिंटेड प्राइस, या फिर जिसे हम मार्क प्राइस भी कहते हैं, कितना है? 4,000 रुपीज़। अब इसमें को क्या कह रहा है कि होलसेलर इन उत्तर प्रदेश बाइज द मॉड्यूलर टेबल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर। ये मैन्युफैक्चरर से इसको खरीदता है कौन? होलसेलर। और कितने डिस्काउंट पर? डिस्काउंट पर कितने? 10% डिस्काउंट पर। इसके डिस्काउंट किस पर आता है? इसका प्रिंटेड प्राइस इसके मार्क प्राइस पर। ओके, द होलसेलर सेल्स द मॉड्यूलर टेबल टू द रिटेलर इन मध्य प्रदेश। और फिर ये इसको किसको बेचता है? रिटेलर को बेचता है मध्य प्रदेश में, और उसे 20% अबव द मार्क प्राइस पर। सपोज द रेट ऑफ GST ऑन मॉड्यूलर टेबल इज 5%। मॉड्यूलर टेबल पर जो GST रेट है वो कितना है? 5% है। देन आपको क्या करना है? फाइंड द प्राइस ऑफ मॉड्यूलर टेबल इंक्लूसिव टैक्स इन विच द होल सेलर बोट। ठीक है, आपको वो प्राइस बताना जिस पर होल सेलर ने बोट किया है किसको? टेबल को। तो सिंपल है, देखो सबसे पहले हम इस पर करेंगे 10% डिस्काउंट। तो अगर हम इसका सेलिंग प्राइस निकालते हैं होल सेलर के लिए, तो आप इसका 10% डिस्काउंट निकाल दोगे, तो हम क्या कर देते हैं, या तो आप 4,000 में से क्या माइनस करोगे? इसका 10%। कैसे 10% कैसे निकालते हैं? 10% है, परसेंटेज रहते हैं डिवाइड बाय 100, इनको कैंसिल कर देंगे हम, तो ये आएगा 400। 400 कैंसिल कर सकते हो आप, या फिर डायरेक्ट हम इसका 90% भी फाइंड कर लेते तो हमारी क्या आ जाती वैल्यू? 90% 10% कम होकर वैल्यू आ जाती। 400 माइनस करने तो 3600, 3600 आ जाएगा, ये 3600 बचेंगे अभी। ये तो इतने का इसका सेलिंग प्राइस था, और इस पर GST चार्ज कितना हुआ है? GST चार्ज कितना हुआ है इस पर? 5%। तो 5% इसका GST अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है, 36 5 जा कितने होंगे? 150, और ये 30, मतलब 180। ओके, 180 रुपीज़ इस पर GST चार्ज है। तो इसने जो बोट किया है इसके लिए, जो इसका प्राइस पड़ा है होल सेलर के लिए, तो होल सेलर ने कितने का बोट किया है? तो होल सेलर ने बोट किया है कितने का? तो आपको हम कह देंगे प्राइस ऑफ टेबल फॉर होल सेलर आप इंक्लूसिव टैक्स इंक्लूसिव GST कितना हो जाएगा? ये 36 सेलिंग प्राइस पर आप GST और ऐड करोगे, तो ये GST ऐड किया हमने, कितना आ गया ये? 0 8 1 और 6 7, और यहाँ पर ये 3, तो 3780 रुपीज़ ये हो गया हमारा। ओके, तो इस तरीके का आता है हमारा क्वेश्चन। और अगर इसमें और क्वेश्चन आते हैं तो वो दिखा देता है कि भाई इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है या इंट्रा स्टेट है। इंटर स्टेट का मीन्स क्या होता है? इंटर स्टेट का मीन्स है कि डिफरेंट स्टेट में, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। और इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है? इंट्रा स्टेट का आपको पता है, इंटर स्टेट का मतलब पता है कि सेम स्टेट, ठीक है, सेम स्टेट में। और सेम स्टेट में क्या होता है? GST टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, CGST और SGST, लेकिन इंटर स्टेट में वो IGST ही रहता है, IGST। ओके, तो ये हमने देखा था। और फिर ये चीज़ें आ जाती हैं हमारी कि ये किस तरीके से होगा हमारा, और ये इस तरीके से आ जाता है कि होल सेलर कितना GST पे कर रहा होगा गवर्नमेंट को, ये आ जाता है कि जितना इसने गवर्नमेंट को दिया है उससे जितना फिर ये इससे चार्ज करेगा, उसमें से इसे माइनस कर देते हैं, तो होल सेलर का पता चल जाता है कि भाई होल सेलर कितना GST पे कर रहा है। तो ये चीज़ें भी इसमें पूछ लेता है कि लेट कर लेते हैं, देखो इसने कितना GST दिया है किसको, यहाँ पर मैन्युफैक्चर को 180, और लैड कर लेते हैं कि ये जब इसको सेल कर रहा होता रिटेलर को, तो रिटेलर से कुछ GST क्या कर रहा होता, चार्ज कर रहा होता, मीन्स मान लेते 200 रुपये से चार्ज कर रहा होता, तो ये गवर्नमेंट को कितना दे रहा है अपनी तरफ से? ये दे रहा है सिर्फ 20 रुपीज़। ओके, ये है।
मतलब 20 रुपीज़ दे रहा है अपनी तरफ से, नहीं वो भी रिटेलर की तरफ से। तो अब यहाँ पर कितना हो गया, सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं कि 5 ईयर एगो अ वुमन एज वॉज द स्क्वायर ऑफ हर सन एज 10 ईयर, हैंस हर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर सन एज। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, जैसे इसमें स्क्वायर वगैरह कह देता है कि दो की या फिर दो वैल्यूज की मल्टीप्लाई कह देता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होती है। अब इस केस में अगर हम देखें कि क्या हो रहा है, ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि फाइव ईयर एगो क्या था, ए वुमेन एज वॉज, उसकी जो वुमेन की एज थी वो क्या थी, वॉज द स्क्वायर ऑफ हर सन्स एज, उसके सन की एज के स्क्वायर के बराबर थी, वो भी 5 ईयर एगो। तो लेट करते हैं, अगर हम लेट करते हैं मदर्स की एज, लेट मदर्स एज भी, ठीक है, तो मदर्स प्रेजेंट एज लेट करते हैं हमेशा, प्रेजेंट एज भी एक्स ईयर्स, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्ट में, समझ जाना आप जो मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पर लेट सन्स एज, सन्स प्रेजेंट एज भी वाई ईयर्स, ओके। अब 5 ईयर्स एगो दोनों की एज कितनी हो जाएगी, 5 ईयर एगो एज ऑफ मदर, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, इसमें 5 माइनस हो जाएगा, ओके। ऐसे 5 ईयर एगो ये आप लिख लेना अपने आप, एज ऑफ सन, सन की एज कितनी हो जाएगी, वाई माइनस फाइव। नाउ अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहे कि द 5 ईयर एगो वुमेन्स एज वॉज द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज, कि जो वुमेन की एज है 5 ईयर एगो वो क्या है, इक्वल है किसके, सन के एज के स्क्वायर के, अगर सन की एज का स्क्वायर कर दें तो वुमेन की एज मिल जाती है। एक तो ये कंडीशन है इसमें, और सेकंड वाले में क्या कह रहा है, एक रिलेशन फिर दूसरा ही बता रहा है, 10 ईयर हैंस, अब से 10 ईयर हैंस मतलब 10 साल बाद, 10 ईयर आफ्टर, 10 ईयर हैंस इस तरह गए तो समझ जाना 10 साल बाद की बात कर रहा है, आफ्टर 10 ईयर हर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर सन्स एज, 10 साल बाद प्रेजेंट एज से, हमेशा प्रेजेंट एज से लेंगे, इससे नहीं लेंगे 10 साल बाद, 10 साल बाद किससे लेंगे, इसकी प्रेजेंट एज से, तो प्रेजेंट एज में 10 ऐड कर देंगे। ये कह रहा है कि 10 ईयर आफ्टर, 10 ईयर हैंस क्या हो जाएगी, इसकी जो एज हो जाएगी ट्वाइस हो जाएगी किसके, इसके बेटे के, तो इसमें भी 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से रिलेशन है। अब ये दोनों कंडीशन है, इनका यूज़ करके आपको ना कैलकुलेट करना है कैसे किया जाएगी। अब देखो अगर हम इसको सोल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है एक्स माइनस फाइव, यहाँ पर देखो अगर आप कर रहे हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए भी करेंगे तो ये हो जाएगा 10y, ओके। ये बन रहा है हमारा यहाँ पर x वाली वैल्यू आ रही है, या तो ये क्वेश्चन पूरा x में हो या फिर पूरा y में हो, तब हम जाकर इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। तो हम इसमें क्या कर देते हैं, x की वैल्यू y के टर्म्स में डाल देते हैं। इसमें देखो यहाँ x प्लस 10 है, प्लस का 10 इधर का, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 10, ये हमने ऐसे रखा है प्लस का 10 इधर आकर माइनस का 10। अब इस x की वैल्यू को, अब इस x की वैल्यू को कहाँ करेंगे हम पुट, इसमें पुट कर देंगे तो 2 y प्लस 10 और यहाँ पर माइनस 10, ठीक है, x की प्लेस पर 2y प्लस 10 माइनस 10 और यहाँ माइनस 5 और इक्वल्स टू में y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें 2y की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y प्लस 20 माइनस 10 डी माइनस 15 या y स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 10y। नाउ इसको सोल्व करेंगे, अब हम ये सभी वैल्यू अगर हम इधर लेके आते हैं, देखो इधर कितना बच जाएगा हमारा 2y और यहाँ प्लस 5 या वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, इन सभी को इधर लेके आएंगे तो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 10y और ये माइनस का 2y, ये 25 प्लस का और ये माइनस का 25, ओके, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 12y और यहाँ प्लस का 20 इक्वल्स टू 0, 20 के फैक्टर प्लस करने पर कितना है 12y, 20 के फैक्टर प्लस करने पर 12y कितना आएगा, 20 के फैक्टर प्लस करने पर 12y बताओ। तो जैसे 4 5 जो 20 भी होता है, 2 10 जो 20 भी होता है, तो हम 2 10 जो 20 लेंगे, क्यों, क्योंकि उसको प्लस करने पर 12 आ रहा है, तो 2 10 जाए 10 2 जा 2 प्लस क्या लिखेंगे 12 को 10y प्लस 20 प्लस टू 0। नाउ अब हम देखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2
और 2y हो जाएगा और माइनस का टेन वाई ये प्लस 20 इक्वल्स टू जीरो। अब देखेंगे हम y कॉमन लेते हैं तो कितना जाएगा y माइनस टू, और यहाँ से अगर हम क्या करेंगे tan कॉमन लेते हैं तो यह आ जाता है y माइनस टू ओके इक्वल्स टू जीरो। नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें y माइनस टू कॉमन लेंगे और यहाँ पर y माइनस टेन इक्वल्स टू कितना जीरो। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ रही है y की, एक तो टू और एक y की वैल्यू टेन। एक तो देखो सन की एज टू आ रही है, एक सन की एज टेन, हो सकती दोनों है, लेकिन अगर हम बात करें कि फाइव ईयर एगो की भी बात कर रहा था वो, तो अगर हम सन की एज टू ले लेते हैं तो फाइव ईयर एगो फिर तो कोई फाइव ईयर अगर एगो तो उसकी वैल्यू होगी नहीं, फिर तो वो था ही नहीं उस टाइम, तो माइनस में हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो इसका मीन्स ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे वाई की वैल्यू लेंगे हम ये टेन ईयर ओके। तो वाई की वैल्यू क्या होगी हमारी टेन ईयर, बेटा 10 साल का है तो मदर कितने ईयर की होगी, आप इस वाले रिलेशन से फाइंड कर सकते हो या फिर इससे भी फाइंड कर सकते हो एक्स की वैल्यू। कैसे कि अगर आपने इस वाली रिलेशन से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्स प्लस टेन इक्वल्स टू टू, वाई की वैल्यू कितनी ली हमने टेन प्लस टेन या एक्स प्लस टेन या ट्वेंटी और टू जा कितना हो जाएगा फोर्टी और टेन माइनस कर देंगे तो ये थर्टी ओके। तो ये हो जाएगी टेन माइनस करने पर थर्टी ईयर्स, तो मदर की है थर्टी ईयर्स और बेटे की है टेन ईयर्स ओके। ये हो रहा है इसमें सिंपल, ये कर सकते हैं इसमें हम ओके। अब देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि फोर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ड्रो अ हिस्टोग्राम, इसके लिए एक हिस्टोग्राम ड्रो करना है आपको। ये क्या है हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो पहले से हम कॉन्टिन्यूस बनाएंगे 0.5 माइनस 0.5 प्लस, फिर उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या बनाते हैं ग्राफ करके मोड फाइंड करते हैं, मोड के लिए जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसी के डायगनल्स को ज्वाइन करके इसे देख लेते हैं। तो सिंपल ये तो हो जाएगा, आप कर सकते हो इसे। क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे अब हम इसमें। फर्स्ट कह रहा है कि एक्स इफ़ एक्स इजिकल्स टू दिस, एक्स की वैल्यू ये है हमारे पास, ये मैट्रिक्स गिवन है एक्स के लिए, यहाँ माइनस वन, यहाँ पर माइनस सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर टू ओके। एंड वाई की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है हमारी माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ जीरो और यहाँ पर टू ओके। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स a इफ a प्लस एक्स इजिकल्स टू वाई, अगर a प्लस एक्स इजिकल्स टू क्या है y है। तो मैट्रिक्स क्या फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ a फाइंड करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू दी है हमें, ए की वैल्यू फाइंड करनी है सिंपल। अब तो इसे हम उठाकर इधर लेके आ जाएंगे, वैल्यू हो जाएगी इसकी फाइंड। कैसे कि अगर हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा यहाँ माइनस वन और यहाँ माइनस सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर वाई की वैल्यू ये है हमारे पास माइनस कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ माइनस टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ जीरो एंड टू, ये वाली वैल्यू इधर उठा के लेके आएंगे, माइनस की हो जाएगी माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये जीरो ये टू, यहाँ पर इधर आकर माइनस लेके आएंगे इसको, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन एंड टू। अब करेंगे हम इसमें इसको सोल्व करते हैं, माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जीरो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, यहाँ टू माइनस टू कितना हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा। एक ही ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, देखो इसमें से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस साइन हमने कॉमन लिया अंदर हो जाएगा क्या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखो तो भी वन हो जाएगा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखो क्योंकि प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं अगर हमने माइनस साइन कॉमन लिया। ऐसे इसको हम सेक को अगर पहले लिख लेते हैं माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो वही तो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन आइडेंटिटी होती है ये जीरो, तो इसका तो आ जाएगा हमारा माइनस वन क्योंकि वन हो गया माइनस साइन बाहर है, यहाँ वन यहाँ पर वन और यहाँ जीरो ओके। तो ये हो जाएगी वैल्यू बस सिंपल, ये हो गया ओके। नाउ अब करेंगे हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ही मैट्रिक्स हो गई हमारी ए फाइंड।
अब देखेंगे कि सर्कल वाला क्वेश्चन गिवन किया है इसने कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल्स टू सी डी, ए बी पैरेलल्स है सी डी के, ये तो बुक का क्वेश्चन हमारा हो, सेंटर एंगल ए डी सी हमें 30 दिया है, फाइंड द एंगल ए ई बी, ए ई बी ये एंगल, ये क्वेश्चन हमने किया है बुक में ही है, ये सर्कल वाले चैप्टर में ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है हमारे पास, इस टाइप से हम सर्कल बना लेंगे। ओके यहाँ पर ये बनाया है, सेंटर हो गया ये एंगल, ये 30 है, ओ ए बी, ये सी डी या ई, ओके ये है हमारा। अब देखेंगे हम इसमें अब अगर इसको देखते हैं हम कि इसमें हमें क्या फाइंड करना है, ये चीज़ें हैं बस हमारे पास, ये पैरेलल गिवन किया है ए बी और सी डी पैरेलल गिवन किया है, ओ सेंटर है, फाइंड ए ई बी, ए ई बी मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, बताओ कैसे किया था हमने इसको। देखो डायरेक्टली बता देता हूँ मैं इसको कैसे करना है, देखो पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन का भी कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है इसमें, अब कैसे हो रहा है किस तरीके से कर सकते हैं हम इसे, इसको देखो अब एक तो हमें ये भी दिख रहा है कि देखो ये एंगल ही ना सेम सेगमेंट है, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, पर इस एंगल इन अ सेम सेगमेंट का हमारा कोई यूज़ नहीं है। अगर हमारे पास ये सेंटर वाला एंगल आ जाए तो ये इसका हाफ होगा, हमारा सेंटर पर एंगल आ जाता है अगर हमारा, तो सेंटर वाला एंगल क्या हम फाइंड कर सकते हैं, ये चीज़ देखो आप पहले अब कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। पैरेलल लाइन का यूज़ ये हो रहा है कि ये 30 है, ये 30 हो रहा है, लेकिन इस 30 का क्या करेंगे, इस 30 का इस एंगल और इसका इस, यहाँ पर इससे एंगल हो जाएगा हमारा, ओके ये एंगल फॉर्म हो रहा है इसमें। तो इसमें एक तो हमें यहाँ पर दिख रहा है क्या कि भाई ये वाला एंगल बन रहा है, तो इससे सेंटर वाला एंगल अगर हम देखें, देखो सेंटर वाला एंगल, ओके एंगल अगर हम देखें एंगल ही ना सेमी सर्कल तो ये 90 होता है, 90 ये एंगल हो जाएगा हमारा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वगैरह कुछ अगर इसमें यूज़ हो रहा हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देखो ये एंगल, एंगल ही ना सेम सेगमेंट देखें अगर हम, ये एंगल और यहाँ से ये वाला जो एंगल होगा वो सेम हो सकता है, लेकिन ये एंगल भी हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पाएंगे, ये आ रही है बात हमारी। और अगर ये वाला एंगल देखें हम कि इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, ये वाला एंगल अगर हम फाइंड कर लें तो भी ये एंगल और ये एंगल सेंटर बनने वाला एंगल, और ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, देखो अगर हम इस वाले एंगल को देख रहे हैं, ओके पॉसिबिलिटी तो बहुत है, चांसेस निकालने के बहुत तरीके से हो सकता है क्वेश्चन तो ये, लेकिन देखो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये 30 है, ये 30 है, ओके अगर हम इस वाले कॉन्सेप्ट से निकालें, इस कॉन्सेप्ट से भी निकल रहा है, देखो अगर हम क्या करें यहाँ पर 90 बना दें क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है, 90 और ये 30 है, 120 है, तो ये भी 120 होगा, ओके ये भी 120 होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इनके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ये इक्वल नहीं होते हैं, तो ये अगर 120 है ना तो ये 60 होगा, मीन्स ये 30 ये भी 30 होगा, और अगर ये 30 है और अगर ये 30 है ना तो ये भी 30 होगा हमारा, क्यों, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, सबसे ईजी यही है हमारा, और शायद मे भी हमने इसको दूसरे मेथड से कराया था इसको जब हमने उसमें किया था इस एक्सरसाइज में, क्योंकि जो कंप्लीट लिंक है आपको एक्सरसाइज वगैरह का वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो, उनका कंप्लीट लिंक मिल जाएगा। तो हमने कैसे किया है यहाँ पर, देखो इसका सॉल्यूशन सिंपल कि भाई हमने क्या लिया यहाँ पर, ये जो सी ए डी एंगल है, एंगल सी ए डी क्या है हमारा 90 डिग्री है, क्यों, एंगल ही ना सेमी सर्कल, फिर ये एंगल हमारा 30 है, एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल किसके, ए डी सी के 30 डिग्री, क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके ये 30 हो गया, 90 हो गया, नाउ एंगल सी ए बी और प्लस एंगल बी डी सी, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, क्या ये अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर, ओके सी ए बी की वैल्यू कितनी होगी, कंप्लीट
90 है, 30 है, 120। बी डी सी की वैल्यू, ये बी डी सी है 30 है, ये वाला 30 कैसे फाइंड किया हमने, देखो ये 30 है और प्लस इस बी डी सी को क्या क्या लिख सकते हैं, बी डी सी को 30 प्लस ये वाला एंगल बी डी ए, एंगल बी डी ए इक्वल्स टू 180, इन दोनों को प्लस करेंगे 150, यहाँ एंगल बी डी ए इक्वल्स टू कितना 180, इसको माइनस कर देंगे एंगल बी डी ए को तो आ जाएगा 30 डिग्री। ओके तो ये 30 डिग्री हो जाएगा हमारा, ये 30 डिग्री हो गया तो सेम ये भी 30 डिग्री हो गया, एंगल ही ना सेम सेगमेंट, ये एंगल ही ना सेम सेगमेंट है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखो ये एंगल यहाँ पर है सर्कमफ्रेंस पर, ये सेंटर पर है। ओके तो ये एंगल हमारा कितना होगा अगर हम इसे देखें तो ये 60 होगा, ये 60 होगा तब भी 30 होगा, ये भी एंगल ही ना सेम सेगमेंट है, एक ही सेगमेंट में बनने वाले सभी एंगल हमारे इक्वल होते हैं। जैसे ये एंगल आप यहाँ पर ले लो कोई भी एंगल, वो भी यहाँ पर ले लो कोई भी एंगल, ये सभी एंगल आपस में इक्वल होंगे। ओके ये प्रॉपर्टी होती है एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो बी डी ए कितना हो गया हमारा, बी डी ए 30 डिग्री हो गया और एंगल बी डी ए किसके इक्वल होगा, एंगल ए ई बी या बी ई ए के, जो हमें फाइंड करना है एंगल ए ई बी, ये क्या हो गया हमारा 30 डिग्री, इसे कहेंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट। ओके ये प्रॉपर्टी है, बस ये ऐसा हो रहा है हमारा, हमें ए ई बी फाइंड करना तो हो गया, ए ई बी 30 डिग्री आ रहा है, ए ई बी भी हमारा। इसमें देखो थर्ड वाले पार्ट में गिवन दैट एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस थ्री आर द फैक्टर ऑफ दिस, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो इस तरीके के भी हमने काफ़ी क्वेश्चन कर दिए हैं कि ये इसके फैक्टर हैं, अगर ये कह रहा है कि इसके फैक्टर है तो अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे माइनस टू आ रही है, इसे माइनस टू यहाँ रखोगे तो इसका आंसर जीरो आएगा, ऐसी एक्स की वैल्यू माइनस थ्री पुट करोगे तो भी आंसर जीरो आएगा, और वो जीरो आएंगे और उनसे मिलेगी दो इक्वेशन हमें ए और बी की, और उन ए और बी की वैल्यू से हम क्या फाइंड करेंगे, उन ए और बी की वैल्यू से फाइंड करेंगे किसकी वैल्यू, दोनों ए और बी की वैल्यू इक्वेशन से, दोनों इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। कैसे देखो क्वेश्चन फाइव का थर्ड पार्ट है, कह रहा है कि एक्स प्लस टू फैक्टर है किसका, टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x और माइनस बी का, तो अगर एक्स प्लस टू इसका फैक्टर है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पुट करने पर इसका आंसर जीरो आएगा। ओके क्योंकि हम इसे अगर इक्वल टू जीरो का रखते हैं तो टू इधर आकर माइनस का टू हो जाता, माइनस का टू ए या माइनस का टू स्क्वायर प्लस 7 या माइनस का टू और यह माइनस का बी इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पर टू माइनस टू का क्यूब माइनस 8 प्लस ए और टू का स्क्वायर माइनस का 4 और माइनस का 4 टू जा 7 टू जा 14 और माइनस का बी इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पर माइनस का 16 और यहाँ प्लस 4 ए और ये माइनस 14 और माइनस बी इक्वल्स टू जीरो, नाउ 4 ए माइनस बी, 4 ए और माइनस बी, ये माइनस का 16 और माइनस का 14 मिलकर क्या बन रहा है हमारा, माइनस का 30 और माइनस का 30 इधर आकर हो जाएगा हमारा प्लस का 30। ओके इक्वेशन फर्स्ट सेम, अब हम पुट करेंगे इसमें एक्स इजिकल्स टू माइनस 3 क्योंकि ये इक्वल टू जीरो रखेंगे, एक्स प्लस 3 को इक्वल टू जीरो रखेंगे तो थ्री आकर इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो अब हम पुट करेंगे क्या एक्स इजिकल्स टू माइनस 3, माइनस 3 यहाँ पर पुट करेंगे अब हम तो कितना हो जाएगा 2 या माइनस 3 का इस क्यूब प्लस ए या माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 या माइनस 3 और यहाँ माइनस बी, इसको सोल्व करेंगे 2 माइनस 3 का क्यूब 3 3 9 3 27 माइनस का प्लस ए 3 का स्क्वायर 9 और 7 3 21 पुट करने पर इसके आंसर आएगा जीरो, क्योंकि अगर ये फैक्टर तो रिमाइंडर कितना देगा जीरो, ऐसे हम रिमाइंडर ही फाइंड करते हैं तो इसलिए हम इक्वल टू में क्या रखेंगे इसके जीरो। तो जब कभी भी कहेगा कि फैक्टर है कोई भी पॉलिनोमियल उसका फैक्टर है तो हमेशा उसको इक्वल टू में जीरो रखना है, और वो कहेगा कि रिमाइंडर देता है 5 12 जो भी है तो वो रखना है इक्वल टू में। ओके कभी कभी ये कह देता है कि एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री पर ये सेम रिमाइंडर देता है तो हम दोनों की वैल्यू को इक्वल रख लेते हैं, तब ऐसा भी रिलेशन आ जाता है। तो ये माइनस का 54 प्लस 9 ए, तो बस हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलना है। ओके जैसे वो कहता है ऐसे ही करते जाओ, बस क्वेश्चन हो जाएगा सिंपल।
यहाँ माइनस का 21 और ये माइनस का बी इक्वल्स टू जीरो। नाउ देखो 9a एंड माइनस बी, 9a एंड माइनस बी 54 और 21 कितना आएगा माइनस करने पर 5 और ये 775 इक्वल्स टू जीरो, तो यह जाएगा 9a माइनस बी इक्वल्स टू 75। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो b और b सेम आ रहा है तो डायरेक्टली हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि दोनों के सेम साइन है, साइन चेंज करना होगा। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को माइनस करते फर्स्ट माइनस सेकेंड या सेकेंड माइनस फर्स्ट कितना हो जाता 4 माइनस बी इक्वल्स टू 30 और यहाँ पर 9a माइनस बी इक्वल्स टू 75। माइनस करेंगे अगर हम तो ये प्लस या माइनस ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा माइनस का 5a और ये कितना हो जाएगा माइनस का माइनस करेंगे हम ये माइनस का आ रहा है हमारा 45। ओके ये आ रहा है माइनस से माइनस साइन कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 9, 5 9 45। ए की वैल्यू 9 हो गई हमारी। नाउ अब हम बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, आप सेकेंड इक्वेशन से या फर्स्ट इक्वेशन किसी से का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे देखो फर्स्ट वाली छोटी इक्वेशन है तो इससे हम जल्दी कर सकते हैं, आप सेकेंड से भी कर सकते हो। एक ही जगह 9 रखो माइनस बी इक्वल्स टू 75, 9 9 81, 75 इधर लेके आ जाओ माइनस का 75 और इक्वल्स टू में बी, दोनों को माइनस कर रहे हो 81 माइनस 75 तो आ रहा है 6, बी की वैल्यू आ रही है 6। तो बस ये ए और बी की वैल्यू आ गई, ये करना था बस हमें सिंपल। ओके अब हम करेंगे इसका सिक्स को पार्ट। सिक्स कितने क्वेश्चन है इसमें, 10 क्वेश्चन आते हैं ना इनमें जो आगे होते हैं, 4 5 6 7, 4 5 6 7 8 9। ओके तो 5 वाला कंप्लीट हो गया हमारा, अब हमारा आ जाता है 6 वाला पार्ट। ओके सिक्स क्वेश्चन को देखेंगे इसमें कि 6 में क्या करना है हमें। सिक्स वाले में कह रहा है कि इफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ, ये लाइन वाला आ गया हमारा क्वेश्चन कि लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, इसको कर लेते हैं अब हम। देखो लाइन वाले भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं, बस आपको देखना है क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। कह रहा है कि इफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट पी, अगर ए और बी को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसको पी पॉइंट डिवाइड करता है, सच दैट किस रेशो में ए बी और ए बी का रेशो 2:5 है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट पी। ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया है बुक का ही बिल्कुल। ओके इसे तो आप कर सकते हो, या कराना पड़ेगा, कराने की तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है इसमें क्योंकि हमने बुक में ऐसा क्वेश्चन कराया बिल्कुल सेम, तो इसमें मोस्टली सेम क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे जैसे हमने बुक में किए हैं, और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। ओके ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि मीन्स कि जैसे हमने किए हैं ना बिल्कुल उसी के टाइप के आएंगे, ज़्यादा कोई टफ नहीं आता क्वेश्चन, और टफ आएगा तो बस उसमें थोड़ा सा ट्रिकी होगा होगा वो उसी कॉन्सेप्ट से बेस्ड, ठीक है तो टफ कुछ नहीं है। अब देखेंगे हम इसे ए पी और ए बी इस तरीके से कह रहा है, तो अगर हम ए पी को लेट कर लेते हैं 2x, ए पी को लेट कर लेते हैं 2x, ए बी को लेट कर लेते हैं 5x, तो ये कितना हो जाएगा हमारा पी पी हो जाएगा 3x, तो इन दोनों का रेशो कितना हो जाएगा, हम रेशो देखें 2:3। ओके तो बस इसको अगर हम m1 लेट कर लेते हैं, इसको m2, इसमें हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं x और y के, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, इसको हम x1 y1 लेट कर लेते हैं, इसको x2 y2, एक्स वाई एक्स इनके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स इजिकल्स टू क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ओके एंड y इजिकल्स टू क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सोल्व करेंगे m1 की वैल्यू क्या है 2, ओके x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 6 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 3, तो 3x मत लेना, सिर्फ हम 3 लेंगे क्योंकि हम रेशो लेट किया है हमने इसमें। नाउ x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है 6, x1 और x2 दोनों की वैल्यू 6 हैं, यस दोनों की वैल्यू 6 है। m1 प्लस m2 करेंगे तो 2 प्लस 3, नाउ 2 6 12 और 3 6 18, 2 और 3 5, यहाँ पर करेंगे 18 और 12 30, 30 डिवाइड बाय 5 5 6 30। नाउ y इजिकल्स टू कितना m1 की वैल्यू कितनी 2 और m1 y2 की वैल्यू 5, m1 y2 प्लस m2
एम टू की वैल्यू 3 और वाई वन की वैल्यू -5 डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू मीन्स 2 + 3। अब वाई इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 10 -15 डिवाइड बाई 5 ये हो जाएगा -5 डिवाइड बाई 5 -1। वाई इजिकल्स टू क्या हो जाएगा -1, ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू। तो ये हो गया हमारा पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 6, -1, ये हमें फाइंड करना था सिंपल। ओके देखेंगे इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि प्रूव दैट दिस। प्रूफ वाला क्वेश्चन है, प्रूफ वाले क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग होते हैं और सिंपल भी होते हैं। देखो बच्चे मोस्टली सोचते हैं कि टफ क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा टफ है और ये सबसे ज़्यादा ईजी है। क्यों? क्योंकि इनमें आंसर तो आपको पहले से ही गिवन है और आपको बस वही गिनी चुनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ करनी है। अब कह रहे होगे कि सर आपने तो कर रखे हैं इसलिए आपको ईजी लगते हैं ये, तो जब आप भी इनकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपके बहुत ही सिंपल लगेंगे। टेंथ के क्वेश्चन तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ना के बराबर हैं। आप इलेवंथ में जाओगे ट्रिग्नोमेट्री इतनी एडवांस हो जाती है इलेवंथ ट्वेल्थ में, तो आपको ये ऐसा लगेगा कि हमने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, अभी आपको जो लग रहा होगा ना कि हम बहुत तेज़ है पढ़ने में, ठीक है, या फिर हम बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, अभी तो आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो। टेंथ में सिलेबस कुछ नहीं होता है, इलेवन ट्वेल्थ का सिलेबस देखोगे उठाकर तो बिल्कुल अलग ही होता है। ओके, ये जो हम पढ़ते हैं टेंथ में, टेंथ तो बिल्कुल बेसिक है ये हमारा। ओके, तो इसमें तो कुछ होता नहीं है इतना। आप इलेवंथ में जाओगे तो आपको चीज़ें तो इतनी आसान लगने लगेंगी कि हमने टेंथ में कुछ किया ही नहीं है। अगर आप इलेवंथ में पीसीएम या पीसीबी लेते हो तो आपको टेंथ की पढ़ाई फिर ऐसे लगने लगेगी कि हमने टेंथ में कुछ किया ही नहीं है, बिल्कुल कम ही, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आपने एक ही चैप्टर किया है। जो आप इलेवंथ में एक चैप्टर में कर दोगे ना इतना पूरी बुक में करते हो यहाँ पर, ऐसा है। तो आप इसमें देखेंगे हम सेकेंड वाला। अब कह रहे हो कि सर ज़्यादा बोल रहे, तो ये चीज़ तो आगे की बात है, अभी हम तो इन्हीं पर टेंथ पर ही फोकस रखते हैं। ओके, तो ये आपको बस टेंथ पर फोकस रखना है, सिंपल है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसानी से कर लोगे आप, डरना नहीं है, बिल्कुल लगे रहना है, बस दिन रात एक कर दो। अब एग्ज़ाम बिल्कुल पास में आ चुके हैं। अब देखो इसमें हमने क्या बताया था कि आप क्या करो कि हम देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई कौन सी साइड बड़ी है, हम बड़ी साइड लेते हैं उससे छोटी साइड बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वन से आप नहीं बना पाओगे इसे। ओके, लेकिन आप इससे इसको ज़रूर बना सकते हो, लेकिन मैं इसे वन से भी बना सकता हूँ, इसे वन से भी मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ। कहोगे कैसे? अब देखो मैं आपको भी सिखा दूंगा कि वन से भी आप इसे कैसे कर सकते हो। कैसे? अब देखो कैसे कि अगर हम चलते हैं यहाँ पर क्या इसको प्रूफ करने इस वाली साइड से, कहोगे कि सर आप तो झूठ बोल रहे हो, आप तो इस वाली साइड को ले रहे हो। तो अभी देखते जाओ मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। यहाँ पर है कोसेक क्या 1/sin -sin θ। देखो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम वन से कैसे से प्रूफ कर सकते हैं, वो इसी में ही छुपा है आपका, इसी से ही होगा वो। तो उसकी मिस्ट्री अभी आपके सामने आने वाली है कि उसमें क्या राज की बात है जो हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम वन से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन होता साइन कोस और ये होता कोस अपॉन साइन। ओके, ये होता है। अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1 - sin²θ, क्योंकि साइन एलसीएम में आ जाएगा यहाँ और यहाँ sin θ। फिर यहाँ पर 1 - cos²θ और यहाँ cos θ। ओके, राइटिंग थोड़ी सी बेकार हो सकती है। साइन और कोस, cos θ sin θ। अब ये sin²θ हो जाएगा -cos²θ। अब देखो ये क्या बन रहा है, 1 - sin²θ होता है cos²θ, तो ऊपर बन रहा है cos²θ, नीचे sin θ। एंड यहाँ पर 1 - cos²θ होता है sin²θ, तो यहाँ पर sin²θ और यहाँ पर cos θ। sin²θ - cos²θ पर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, देखो यहाँ पे प्लस रहेगा ना, और प्लस होगा तो यहाँ वन हो जाएगा, यहाँ वन हो जाएगा तो नीचे बचेगा क्या हमारा cos θ sin θ। अब ये ऊपर वाली मल्टीप्लाई में नीचे वाली, अब देखो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया और एक साइन यहाँ पर है इससे पूरा कैंसिल हो गया, ऐसी कोस और कोस कोस स्क्वायर, ऐसी कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर, वन प्रूफ हो गया। अब कहानी जो हम आपको बताना चाह रहे थे कि वन से आप कैसे प्रूफ करना है, करना मत वैसे एग्ज़ाम में, तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी बच्चे से पूछ लें कि भाई वो ज़्यादा तेज बन रहा हो तो आप उससे कैसे पूछ लो कि भाई तू क्या वन से प्रूफ कर सकता है, तो वन से कैसे प्रूफ करेंगे, तो वन से कैसे प्रूफ करेंगे, ये पहले हमने वन को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं वन को
बिल्कुल क्या करना, रिवर्स चलना स्टेप। और ये स्टेप आपको कब पता चलेंगे, जब आप इसको सीधी तरीके से करके आओगे। कि वन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू वन अपॉन कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को ये लिख सकते हैं और वन को लिख सकते हैं ये। ओके, फिर इससे सेपरेट डिवाइड करेंगे साइन को, साइन को सेपरेट डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, कोस सेपरेट डिवाइड करेंगे तो ये वाली स्टेप आ जाएगी। और यहाँ पर वन की जगह क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और फिर इनके एलसीएम को यहाँ पर सेपरेट डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से इसको भी, और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर से इस थीटा से इसका भी, तो ये बनेगा बस इससे ये आ जाएगा। तो ऐसे है ये। ओके, तो ये चीज़ें सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके माइंड के लिए है कि आपको एक गेम की तरह के क्वेश्चन को, अगर आप एक गेम की तरह यहाँ पर खेल रहे हो, किसी से पूछना चाह रहे हो, तो ऐसे आप कर सकते हो। किसी से क्वेश्चन आप इस तरीके से कह सकते हो कि आप इसे वन से प्रूव करके दिखाओ। ओके, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी द फोर्थ एंड द सिक्स्थ टर्म आर 8 and 14 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। ओके, ये है कि इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी द फोर्थ एंड द सिक्स टर्म आर 8 and 14, फोर्थ और सिक्स टर्म 8 और 14 है रिस्पेक्टली, फाइंड करने हैं टर्म। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, हमारा सिक्स का थर्ड पार्ट। कैसे कि इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द फोर्थ एंड द सिक्स टर्म, ए फोर्थ गिवन है 8 and a6th गिवन है 14। ओके, फाइंड द फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म फाइंड करना, तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 3d कितना 8, इसे लिख सकते हैं a प्लस 5d इक्वल्स टू 14। ओके, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, फाइंड द फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, 1 माइनस 2 तो जाएगा a प्लस 3d इक्वल्स टू 8, और यहाँ पर a प्लस 5d इक्वल्स टू 14, या माइनस माइनस ये कैंसिल, या माइनस करेंगे माइनस का 2d, और या माइनस करेंगे माइनस का कितना 6, कैंसिल करेंगे d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ओके, अब a की वैल्यू करेंगे, हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो फर्स्ट से फाइंड करेंगे अगर हम तो a प्लस 3 और d की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 8, या a और 3 3 9 इक्वल्स टू 8, और a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 माइनस 9, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, a की वैल्यू कितनी हो रही है -1। तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा a की वैल्यू -1, फिर कह रहा कॉमन डिफरेंस, ये रही कॉमन डिफरेंस, फिर कह रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, तो मीन्स s20 फाइंड करना है। s20 के लिए फॉर्मूला होता है n/2 2a, a की वैल्यू हम डायरेक्ट रख रहे हैं यहाँ पर, प्लस n-1 मीन्स 20 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 3, सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर 10 आ रहा है, -2 देखो यहाँ 19 आएगा, और 19 3 से कितने होते हैं 57, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो ये हो रहा है 59, यहाँ 59 हो रहा है आपका, तो फिर डी की वैल्यू तो प्लस आ रही थी हमारे, डी की वैल्यू प्लस आ रही, ए की वैल्यू माइनस में आ रही है और डी की वैल्यू आ रही है प्लस, ये 19 या प्लस होगा ना, वही तो कह रहा हूँ मैं, 19 3 57 और प्लस करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, इन ये 2 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 55, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगी 550, प्लस टर्म्स आ रही है ना, तो 550 मींस 550 जी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा इसका। ये था इसमें क्वेश्चन नंबर 6th में। ओके, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसमें जो क्वेश्चन रह गए हमारे 7, 8, 9 and 10 को कंप्लीट करेंगे। ये भी इसी टाइप से है, सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व कर सकते हो। और शायद हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका अपलोड करना भूल गए थे इसको, इसको डाउनलोड करने के लिए लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हम इसको अब अपले मतलब अपलोड कर देंगे साइट पर, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो इस सैम्पल पेपर को। ओके, तो ट्राई करना इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं जल्द से जल्द आप कर सको। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।